आपका पार्टनर आपको लगातार इग्नोर कर रहा है, फिर भी आपका दिमाग उसी के बारे में क्यों सोचता रहता है? आपका पार्टनर बिल्कुल भी आपको प्यार नहीं करता, फिर भी आप उसे ही क्यों पाना चाहते हो? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसके पीछे जो साइकोलॉजी है उसे कहते हैं FRR टेक्निक। अगर आप FRR टेक्निक का यूज करते हो तो प्यार के लिए कभी भी आपको भागना नहीं पड़ेगा। किसी का प्यार पाना आपके लिए सबसे आसान काम बन जाएगा और इस वीडियो में इस टेक्निक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि कब और कैसे लोग आपसे दूर भागने लगते हैं और कब और क्यों लोग आपके पीछे भागने लगते हैं। किसी का प्यार पाने के लिए क्या करना चाहिए, इस सवाल का जवाब ऑलरेडी आपके दिमाग में है, लेकिन अब तक आपको वो जवाब इसलिए नहीं मिला क्योंकि कभी भी आपने अपने आप को सही क्वेश्चन पूछा ही नहीं। आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि किसी का प्यार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यह सवाल एकदम गलत है। इस सवाल से कभी भी आपको सही आंसर नहीं मिल सकता। आपको ऐसे सोचना चाहिए कि भाई मेरा पार्टनर मेरे साथ ऐसा क्या कर रहा है जिसके कारण मैं उसके प्यार में पागल होते जा रहा हूं। ये सवाल पूछते ही आपके दिमाग की बत्ती जलने लगेगी और आपको आंसर मिलने लगेगी कि अरे यार, मेरा पार्टनर तो मेरी तरह मुझे खुश करने की कोशिश नहीं करता। वो इंसान मुझे बहुत ज्यादा ना तो प्रायोरिटी देता है, ना ही मेरे पीछे भागता है और ना ही अपने प्यार को प्रूव करने की कोशिश करता है। दोस्तों, यही तो आपके पार्टनर की खासियत है और इसलिए आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करते हो। जैसा आप करते हो वैसा वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि मैं अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ इसलिए उसके इग्नोर करने के बाद भी उनके पीछे भागता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उनके पीछे भागते हो क्योंकि वो आपसे काफी डिफरेंट पर्सन है। देखो दोस्तों, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप मेरी बातों को एज इट इज ऐसे ही सच मान लें। मैं तो चाहता हूं कि आप खुद सीखें कि रिलेशनशिप में ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है और आप सिर्फ लोगों के रिलेशन को ऑब्जर्व करके बड़ी आसानी से ह्यूमन साइकोलॉजी को सीख सकते हो कि यार लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपसे काफी अलग है इसलिए आप उनको प्यार करते हो, तो अब दूसरे लोगों के रिलेशन को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। ऑब्जर्व करने से आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखने लगेंगे जो आप ही की तरह रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एफर्ट तो कर रहे लेकिन उनके पार्टनर से उनको प्यार बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। एंड ऑब्जर्व करने से आपको ऐसे लोग भी देखने को मिलेगा जो आपके पार्टनर की तरह रिलेशनशिप में बिल्कुल भी कोई एफर्ट नहीं लगा रहे लेकिन फिर भी उन लोगों को अपने पार्टनर से बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो कुछ लोगों को प्यार मिलता है और कुछ लोगों को प्यार क्यों नहीं मिलता, इस सवाल का जवाब आपको FRR टेक्निक को समझने के बाद मिल जाएगा और जिससे आप ये भी समझ पाओगे कि कैसे आप किसी इंसान के बहुत ही ज्यादा दीवाने हो जाते हैं और रिलेशनशिप में कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है। और हाँ, जाने अनजाने में आपका पार्टनर भी आपके ऊपर इसी FRR टेक्निक का यूज कर रहा है। FRR सिर्फ एक टेक्निक को समझ लो, आप बोलोगे उससे पहले आपका पार्टनर वो काम करने लगेगा। FRR टेक्निक का मतलब होता है फोर्स रिक्वेस्ट एंड रिजेक्शन। फोर्स, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब कभी आप किसी इंसान को कोई एक्शन लेने के लिए फोर्स करते हो तब उस इंसान का आपने जो बोला होगा उससे एकदम उल्टा काम करने का मन होगा। आपने देखा होगा कि ब्रेकअप के बाद लोग अपने पार्टनर के सामने रोते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, फिर भी उनका एक्स पार्टनर उनकी लाइफ में वापस नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनके एक्स पार्टनर के लिए ये सब कुछ फोर्स है। वो आपके साथ बात करना नहीं चाहता, फिर भी आप अलग अलग नंबर से उन्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते रहते हो। एंड आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि ब्रेकअप के बाद आपका जो एक्स पार्टनर होता है ना, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं वैसी हरकतें करने लगेगा। मतलब आप जो चाहते हो ना, लगभग लगभग वो उसके उल्टे ही काम करेगा। रिक्वेस्ट, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब कभी आप किसी इंसान को कोई काम के लिए बार बार रिक्वेस्ट करने लगते हो तो उस इंसान का वो काम करने में जो इंटरेस्ट होता है वो कम होने लगता है। अगर आप अपने पार्टनर को बार बार रिक्वेस्ट करते हो कि भाई मेरे साथ बात करो, मुझे टाइम दो, तो आप एक टाइम के बाद देखना कि धीरे धीरे आपके साथ टाइम स्पेंड करने में या आपके साथ बात करने में आपके पार्टनर का इंटरेस्ट कम होने लगता है। एक टाइम के बाद आपको ये फील हो जाएगा कि आपका पार्टनर आपके साथ बात तो कर रहा है लेकिन इस तरह से बात कर रहा है जैसे उनका बात करने में कोई इंटरेस्ट ना हो। रिजेक्शन,
जब कभी आप किसी इंसान को किसी चीज के लिए रिजेक्ट कर देते हो कि तुम्हें ये नहीं मिल सकता या तुम ये काम नहीं कर सकते, उसके बाद उस इंसान को वो काम करने के लिए या वो चीज पाने के लिए बहुत ज्यादा मन करेगा, वो काम करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड फील करेगा। अगर आप किसी इंसान को रिजेक्ट कर देते हो कि आप उनको प्यार नहीं करते या आप उनके साथ रिलेशन नहीं बना सकते, तब उस इंसान का इंटरेस्ट आप में बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। वो इंसान इस बात को भूल ही जाएगा कि खुद उसको आपके साथ रिलेशन बनाना भी है या नहीं बनाना। वो सिर्फ यही सोचेगा कि आपके साथ रिलेशन बन ही क्यों नहीं सकता। वन साइडेड लव वाले लोगों का बेस्ट एग्जाम्पल है, जब कभी उन लोगों को रिजेक्शन मिलने लगते तो उनका माइंड वहीं पर स्टक हो जाता है कि तुम मुझे एक्सेप्ट ही क्यों नहीं कर रहे हो, और इस तरह से सालों साल वो एक तरफे प्यार में पड़े रहते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सोचने से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पार्टनर भी आपके साथ इसी FRR टेक्निक का यूज कर रहा है। वो किसी भी चीज के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहा है। आप उनको टाइम दो ना दो, आप उनको प्यार करो ना करो, वो इस चीज के लिए आपको फोर्स नहीं करता। और आपका पार्टनर आपको रिक्वेस्ट भी नहीं करता, पॉसिबल ही नहीं है, बट हाँ वो बार बार आपको रिजेक्शन फील करवाता रहता है। कई बार आपको इग्नोर कर, कई बार ऐसा शो करके कि वो आपके बिना, आपके प्यार के बिना भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है, उन्हें आपके प्यार की या आपके टाइम की जरूरत ही नहीं, और उसके बाद आप उनके पीछे लगने लगते हो, आप उनके पीछे भागने लगते हो। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस टेक्निक को एकदम उल्टी तरह से फॉलो करते होंगे। वो अपने पार्टनर को फोर्स करते होंगे कि तुम अगर मेरे साथ बात नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा। कई लोग एक साथ कॉल पे कॉल और मैसेज पे मैसेज करने लगते हैं और अपने पार्टनर को रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन अपने पार्टनर को बिल्कुल भी रिजेक्शन फील ही नहीं होने देते, और इसलिए इस टेक्निक का उल्टा यूज करने के कारण उनको रिजल्ट भी नेगेटिव मिलता है। जब कभी कोई हमें बहुत ज्यादा इग्नोर करता है या जब कभी हमें कोई बहुत ज्यादा रिजेक्शन फील करवाता है, तब धीरे धीरे हम इमोशनली ट्रिगर होने लगते हैं। जब भी हम अपनी लाइफ में कोई एक्शन लेते हैं तो या तो हम लॉजिकली सोच के एक्शन लेते हैं या फिर इमोशनली ट्रिगर होकर एक्शन लेते हैं। जैसे कि कई बार हम लॉजिकली ऐसा सोच लेते हैं कि अगर कोई इंसान मुझे इग्नोर करेगा तो उसके बाद में उसको मैसेज कॉल नहीं करूंगा, लेकिन जब रियल में कोई हमें इग्नोर करता है उसके बाद हम इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं और फिर हम उसको कॉल्स और मैसेज करने लगते हैं और हमारा सारा का सारा लॉजिक वहीं पर धरा पड़ा रहता है। जैसे ही कोई हमें रिजेक्शन फील करवाता है उसके बाद हमें लगता है कि यार इस इंसान का प्यार और ये इंसान मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना तो चल ही नहीं सकता। ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान का आपकी लाइफ से दूर जाना आपके फायदे में हो, लेकिन आप ऐसा सोच ही नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पर आपकी लॉजिकल थिंकिंग ही खत्म हो जाती है क्योंकि आप इमोशनली ट्रिगर हो जाते हो। कई बार आपका पार्टनर आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, आपको इग्नोर करता है, आपको रिजेक्शन फील करवाता है और उसके बाद आप अंदर से टूट जाते हो एंड फिर खुद को यूजलेस समझने लगते हो। फिर आप इस बात को झूठ साबित करने के लिए या अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए उस इंसान के पीछे भागने लगते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उस इंसान के प्यार को पाकर या उस इंसान की रिस्पेक्ट को पाकर आप कंप्लीट फील करने लगोगे। मतलब अब आपको सिर्फ उस इंसान का सर्टिफिकेट चाहिए जिस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है। दूसरे लोगों का वैलिडेशन आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, आपको सिर्फ उस इंसान का ही वैलिडेशन चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग में ये होता है कि इंसान ये सोचता है कि उसके लिए क्या चीजें सही है, उसके लिए क्या चीजें गलत है, लेकिन जब कोई इंसान इमोशनली ट्रिगर हो जाता है तब उसे वही काम का लगता है जो उसके पास नहीं है या उसे वही काम का लगता है जिसे वो पाना चाहता है। हो सकता है कि उस इंसान को पाने के चक्कर में वो अपने आप को परेशान कर ले, अपनी हेल्थ खराब कर ले, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं दिखेगा, उसको सिर्फ वो इंसान और उसका प्यार ही दिखाई देगा। इसलिए आप देखोगे कि प्यार में पड़े इंसान को कितने भी लोग समझा ले वो किसी की बात से नहीं समझेगा क्योंकि उसको लॉजिक समझ में ही नहीं आता, उनको सिर्फ इमोशन ही समझ में आता है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि इंसान प्यार में अंधा हो जाता है। आप ऐसे लोगों के लिए कह सकते हो कि वो इमोशनली किसी के लिए ट्रिगर हो गया है। जब कोई इंसान इमोशनली ट्रिगर हो जाता है उसके बाद उसके साथ एक और बुरी चीज होने लगती है कि उसके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस खत्म होने लगते हैं। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एक इंसान के लिए इतना ज्यादा जरूरी है ना कि एक डिप्रेशन का पेशेंट जब तक अपनी लाइफ में न्यू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट नहीं करता ना, तब तक उसका डिप्रेशन से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि इमोशनली ट्रिगर इंसान को सिर्फ वो इंसान और उसका प्यार चाहिए होता है, उसके सिवा उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो उसकी लाइफ में बाकी की सारी चीजें पीछे छूटने लगती है, उनका अपना काम, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, इन सारी चीजों के ऊपर उनका ध्यान ही नहीं जाता। और ये सारी चीजें ऐसी है जो एक इंसान को इन सारी चीजों के कारण ही लाइफ में कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस मिलती है। अब उस इंसान की लाइफ से धीरे धीरे ये सारी चीजें पीछे हटने लगती है, गायब होने लगती है, वो अकेला पड़ने लगता है। तो इसके कारण उनकी एंग्जाइटी भी बढ़ सकती है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरह आगे बढ़ने लगता है। फिर भी वो इंसान इमोशनली सोचता है, उस इंसान को यही लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो इंसान मेरी लाइफ में वापस आ जाए, अगर वो इंसान का प्यार मुझे मिल जाए, तो मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, मेरा सारा टेंशन, मेरी सारी एंग्जाइटी अभी गायब हो जाएगी। उस इंसान को यही लगता है कि उसका प्यार पाना ही एकमात्र सॉल्यूशन है, हैप्पीनेस का सोर्स सिर्फ एक ही है और वो इंसान का प्यार है। ऐसा इंसान भी अगर अपनी हॉबीज को फॉलो करने लगता है, अपने काम के ऊपर अपना फोकस बढ़ा देता है और उस इंसान के पीछे भागना बंद कर देता है, तो धीरे धीरे उनकी हॉबीज के कारण और उनके काम में जो ग्रोथ हो रहा है उसके कारण उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और वो इंसान हैप्पी फील करने लगता है। और जैसे ही कोई इंसान अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करने लगता है, हैप्पीनेस को महसूस करने लगता है, तो ऐसा इंसान बहुत ही जल्दी डिप्रेशन से बाहर आने लगता है और अपने आप में ही वो कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। फिर वो इंसान लॉजिकली सोचने लगेगा, इमोशनली नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे होते, उनके लिए रो रहे होते, और जब वो मेरे साथ बात करते हैं तो सबसे पहले मैं उनको यही चीज़ करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के नए सोर्स को क्रिएट करो। इस चीज़ को करने के बाद धीरे धीरे वो इमोशनली स्ट्रांग होने लगते हैं। इमोशनली स्ट्रांग होने के बाद वो लॉजिकली सोचने लगते और अपने पार्टनर के पीछे भागना बंद कर देते हैं। रिलेशनशिप में आने के बाद भी आप अपनी हॉबीज में और अपने काम में दिल से इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि अगर आप रिलेशन में आने के बाद भी उसमें अपना इंटरेस्ट बना के रखोगे तो आप कभी भी इमोशनली ट्रिगर नहीं हो पाओगे, और जब तक आप इमोशनली ट्रिगर नहीं होगे आप अपने पार्टनर के पीछे नहीं भागोगे, और अगर आप अपने पार्टनर के पीछे नहीं भागोगे तो आपका पार्टनर आपको इग्नोर भी नहीं करेगा। आपका पार्टनर आपको एक और तरीके से भी फंसाता है और वो तरीका है लूप ऑफ थॉट्स। अगर आपने किसी इंसान के दिमाग में लूप ऑफ थॉट क्रिएट कर दिया, उसके बाद वो इंसान आपके लिए सीरियस होगा ही होगा। लूप ऑफ थॉट के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके लिए गुड न्यूज है। मैंने टेलीग्राम पर एक प्राइवेट चैनल बनाई है जिसमें आप मेरी सारी ईबुक और आने वाली सारी ऑडियो बुक को एक ही जगह पर एक्सेस कर पाओगे। सारी ईबुक की प्राइस मिलाकर 512 से ज्यादा होती है, लेकिन आप इन सारी ईबुक को सिर्फ 199 में एक्सेस कर सकते हो, जिसमें साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप, द अल्फा मैन और एक्सबैक ईबुक जैसी बहुत सारी ईबुक इंक्लूडेड है। इस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बैक टू वीडियो, तो आप जिस इंसान के बारे में दिन रात बहुत ही ज्यादा सोचने लगते हो, आप उस इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस होने लगते हो, एंड आपका पार्टनर आपसे ऐसा करवाने में कामयाब हो जाता है। अगर कोई इंसान आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता तो वो इंसान कभी भी आपके लिए सीरियस नहीं होता, क्योंकि जिस इंसान के बारे में आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हो तभी आपके दिमाग को ये समझ में आता है कि भाई ये पर्सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब से आपने अपने पार्टनर के बारे में ज्यादा सोचना शुरू किया है उसके बाद ही आप अपने पार्टनर के लिए ज्यादा सीरियस होते जा रहे हो, क्योंकि इसके बिना किसी का भी किसी के लिए सीरियस होना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर एक मजेदार बात यह है कि आपका पार्टनर कभी भी आपके लूप ऑफ थॉट्स में नहीं फंसता, क्योंकि आप उन्हें फंसने ही नहीं देते। कोई भी इंसान आपके लूप ऑफ थॉट में तब फंसता है जब वो आपके बारे में कंफ्यूज होता है कि आप उन्हें प्यार करते हो या नहीं हो, आपके लिए वो इंसान इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन आप उस इंसान को, अपने पार्टनर को ऐसा सोचने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि आप तो हमेशा ये प्रूव करने की कोशिश करते रहते हो कि आप उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हो। जब उन्हें ये फील हो जाता है कि आप तो उनको पागलों की तरह प्यार करते हो, तब उन्हें क्या जरूरत है आपके बारे में ये सोचने के लिए, और वो आपके मामले में फिर बिल्कुल ही रिलैक्स रहेंगे। कई बार मैं अपने वीडियोस में ये बताता हूँ कि आपको अपने पार्टनर की फील नहीं करवाना चाहिए कि आप उनके प्यार में पागल हो, क्योंकि ऐसा फील करवाने से लूप ऑफ थॉट की जो प्रोसेस होती है वही स्किप हो जाती है। अगर वो इंसान आपके बारे में सोचेगा नहीं तो वो कभी भी आपके लिए सीरियस नहीं होगा। जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर और रिजेक्शन फील करवाता है तब आप इनसे परेशान होकर उनको समझने की कोशिश करने लगते हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए एफर्ट लगाने लगते हो और उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हो।
बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे पार्टनर का कॉल कब कब बिजी आता है। ऑनलाइन स्टॉक भी करते हैं कि कब ऑनलाइन होता है, कब स्टेटस डालता है, आजकल वो किससे मिलने जा रहा है। जब आप इस तरह की चीज़ें करने लगते हो तो आपके दिमाग में आपके पार्टनर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होने लगती है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के कारण अब आपके दिमाग में आपके पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा थॉट होंगे और उन थॉट की एक लूप बन जाएगी और वो आपके दिमाग में घूमती रहेगी और आप ओवरथिंक करने लगोगे और बस अपने पार्टनर के रिलेटेड ही अपने दिमाग में सोचते रहोगे। अब आप अपने पार्टनर के बारे में जितना ज़्यादा सोचते जाओगे 100% आप उतना ज़्यादा ही अपने पार्टनर को लेकर सीरियस होते जाओगे। कई लोगों ने ये मॉर्निंग में एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे वो उठते हैं तो उठने के साथ ही उनको पहला थॉट अपने पार्टनर के बारे में आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में उनके थॉट की बहुत ही मजबूत लूप बन गई है। आप जितना अकेले में बैठकर पार्टनर के बारे में सोचोगे, जितना ज़्यादा उनके फोटोज़ को देखते रहोगे, पुराने मैसेजेस को आप देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, आपके दिमाग में उनकी जो थॉट की लूप है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। अगर किसी के दिमाग में ऐसी थॉट की लूप बन जाती है तो हम उसे कैसे तोड़ सकते हैं? पहली चीज़, पार्टनर के बारे में जानबूझकर सोचना बंद करना चाहिए। दूसरी चीज़, पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है या पार्टनर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकालनी चाहिए। तीसरी चीज़, अपनी लाइफ के दूसरे कामों में और अपनी हॉबीज में आप बिजी रहिए। जब आपके दिमाग में अपने पार्टनर के बारे में नई इन्फॉर्मेशन आना बंद हो जाती है तो इसके कारण धीरे धीरे जो आपकी लूप होती है वो कमज़ोर होने लगती है एंड नए थॉट के साथ पुराने जो थॉट होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। एक पर्सन ने मेरे साथ बात की थी, वो पिछले 9 सालों से अपने एक्स पार्टनर को भूल ही नहीं पा रहा था। तो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगी क्योंकि अगर किसी का बहुत ही गहरा प्यार है तो लग सकता है उनको 1.5 साल 2 साल ये समझ सकते हैं और नॉर्मल रिलेशन में तो लोगों को 6 महीने लगते हैं, 9 महीने लगते हैं, लेकिन इनको तो 9 साल लग गए। बातों बातों में उनसे ये पता चला कि पिछले 9 सालों से वो अपने पार्टनर को स्टॉक करता है, मतलब अपने फ्रेंड के थ्रू सोशल मीडिया से उसको अपने एक्स पार्टनर के बारे में बहुत ही डिटेल से और छोटी छोटी चीज़ें पता है कि उसके पार्टनर की लाइफ में आज भी क्या हो रहा है। 9 सालों से वो अपने एक्स पार्टनर की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है और वही इन्फॉर्मेशन थॉट बन रहे और वही थॉट की लूप बन गई जो 9 सालों से उसके दिमाग में चल रही है। जैसे ही उस इंसान को अपने एक्स के बारे में नई इन्फॉर्मेशन अब मिलना बंद हो गई है, उसने बंद कर दिया है, उसके बाद धीरे धीरे उसके दिमाग के जो थॉट है वो चेंज हो रहे और वो इंसान धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा है। कई लोगों को तो आदत पड़ जाती है दुखी होने की, वो अपने एक्स के बारे में याद करते रहते हैं और उस दुख को एंजॉय करते रहते हैं। अब आपको ये बात अजीब लग सकती है लेकिन ये सच है। अगर आप ही अपने किसी दुख को बार बार याद करो तो प्लीज़ ऐसा मत करिए क्योंकि इससे जो लूप ऑफ थॉट होती है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 2 इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की। पहला, FRR टेक्निक, जिससे सामने वाले इंसान को आप एक रिजेक्शन फील करवाते, फिर वो इंसान इमोशनली ट्रिगर हो जाता है एंड इसके बाद उसकी लाइफ में सोर्स ऑफ हैप्पीनेस खत्म हो जाता है एंड फिर वो आपके पीछे भागने लगता है। एंड दूसरी चीज, कि आप किसी इंसान को रिजेक्शन फील करवा कर सामने वाले इंसान के दिमाग में लूप ऑफ थॉट क्रिएट कर सकते हो, जिससे सामने वाला इंसान आपके बारे में ज़्यादा सोचने लगेगा और सामने वाला इंसान जितना ज़्यादा आपके बारे में सोचेगा वो आपको उतना ही ज़्यादा सीरियस लेने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। थैंक यू।